Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. See Huria Beauty Secret Ideas में सुबाइज. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त वैसलीन लोशन के साथ आप लोग किस तरह से अपनी स्किन की वाइटनिंग एंड साथ साथ मॉइस्चराइजिंग किस तरह से बरकरार रख सकते हैं. काफ़ी लोगों का यही सोचना है कि जो वैसलीन लोशन होता है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, यानी कि लगाने के बाद ड्राई होता है रहता है और साथ साथ स्किन पर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भी रहती है, ऑयल नहीं आता और साथ साथ ब्लैकिश टोन नहीं होती हमारी स्किन की. बाज़ लोशन ऐसे होते हैं हम लगाते हैं तो डल डल स्किन लगती है. ये विंटर सीज़न में भी आप लोग लगा सकते हैं और ये समर सीज़न में भी लगा सकते हैं. आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट वैसलीन लोशन लेना है और इसमें आप लोगों ने विटामिन ई का ये वाला ग्रीन वाला कैप्सूल 400 mg वाला ले लें, 600 mg वाला लें, जो आपको बेहतर लगे. अगर आप जैसे कि 200 mg वाला लेने तो आप लोग वो दो ले लें, दो लेकर आप लोगों ने इस तरह की छोटी सी शीशी में या वैसलीन लोशन में भी चाहें तो पूरी बोतल में आप लोग ये विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर इसे मिक्स कर अप्लाई कर सकते हैं. इसे डेली बेसिस पर आप लोग एक दो से आप लोगों की स्किन वाइटनिंग होगी और इससे आप लोगों की ये जो पिंक वाला होता है वैसलीन लोशन ये लेना है आप लोगों के, से स्किन टोन ब्राइट होगी, लाइटनिंग जो है आप लोगों की स्किन पर होगी और साथ साथ ग्लोइंग आएगी, स्किन पर वाइटनिंग आएगी और आप लोगों के जो के पोर्स हैं वो ओपन हुए हों वो भी कवर करने में काफ़ी हेल्प करता है. और विटामिन ई जो कैप्सूल है ये एंटी एक्नी स्किन वालों के, एंटी इचिंग स्किन वालों के लिए, पिगमेंटेशन स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है. तो आप लोग ये अपने इजीली बहुत जल्दी बन जाता है और आप लोगों ने ये लोशन यूज़ करना है. लोशन में बस आपने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर देना है और आप लोगों ने इसे डेली बेसिस पर यूज़ करना है. ये आप लोग ऑल सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा. सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू.